पराक्रम के बारे में, हम किसी के धन के बारे में, हम किसी के पति पत्नी के सुख के बारे में, हम बीमारी के बारे में, हम स्वभाव के बारे में, बहुत सी बातों के बारे में जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ऊंच के नीच के जब ग्रह होते हैं उनके बारे में हम लोशो गिर से मालूम नहीं कर पाते। आज मैं इस कुंडली में आपको ये बात सिद्ध करके दिखाना चाहता हूं। इसके बाद एक कुंडली और है, उसमें ये दिखाना चाहता हूं बच्चे पे 9 कितने बार है, और लेकिन वो मंगली नहीं है। नीच ग्रह तो राजयोग दे देते हैं, नीच ग्रहों से परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती। और जब मैं जब जब एक बात और बताता हूं, जब जब कोई नीच ग्रह केंद्र में आ जाता है, चंद्रमा से केंद्र में आ जाता है, तो वो उच्च के फल देने लगता है। इसी तरह से इनका ये बृहस्पति जो नीच ग्रह में आ चुका है, जब चंद्रमा जब गुरु नीच का हो गया और केंद्र में आ गया और चंद्र नीच भंग योग बन गया, जब नीच भंग योग बन गया तो इस व्यक्ति की जो इस ग्रह की जो अशुभता आ रही थी वो सारी की सारी खत्म हो गई। जब नीच ग्रह होता है, 1985 के जितने भी जातक हों, आप समस्या ये है कि आप लोग रिसर्च नहीं करते, खोजते नहीं हो, अच्छा नहीं है। मेल हो चाहे फीमेल हो, क्योंकि वहां बृहस्पति नीच का था और 2020 और 21 में बृहस्पति नीच का रहा है। और इस समय जितनी संतानें पैदा होंगी आगे आने वाले 20 साल बाद, इनका भी भविष्य उज्जवल नहीं होगा। अगर हमें वैदिक कुंडली से किताब लगानी है तो हमें उसके लिए इतना बड़ा इतिहास है, पढ़ते पढ़ते पढ़ जाएंगे और खत्म नहीं होगा। इसलिए बताना चाहता हूँ नीच। उसके बाद इनके पास सूर्य भी नीच हो गया और इनका सूर्य के घर में राहु भी हो गया। चांदनी ऐसे बोलते हैं, लगन को पकड़ के नहीं बैठो। जब सूर्य सूर्य के घर में राहु आ जाता है तो ग्रहण दोष लग जाता है, और जब सूर्य नीच का हो जाता है तो सूर्य किसका कारक है? तो अगर सूर्य नीच का हो जाता है और सूर्य के घर में ही राहु बैठा है, ऐसे जातक के पिता के साथ संबंधों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन ये चंद्रमा से केंद्र में हो गया नीच, यहाँ भी नीच भंग योग हो गया। भले ही उसके मन में कितना भी भेदभाव हो जातक के मन में, लेकिन नीच भंग होने से ना चाह के भी पिता से लगाव रहेगा। हम उसके बाद लास्ट में क्या देखते हैं, शुक्र और मंगल। हमें अभी मार्केट से हमें क्या लेना, अभी हमने मरने जीने की तो बात करी नहीं कि बच्चा बीमार है, कितनी उम्र है अभी उसकी। अभी अभी हमें देखना है, अब मैं क्या देख रहा हूं, शुक्र मंगल। अगर किसी भी कुंडली में शुक्र के साथ मंगल बैठा होगा, ऐसा जातक के लव मैरिज होने की संभावना रहेंगे, क्योंकि मंगल रक्त है और शुक्र विलासता। जब रक्त में विलासता का भाव आ जाता है तो वो ऐसे जातक के अंदर एक लव मैरिज के योग बन जाते हैं। और गुरु केंद्र में बैठ गया और किसके घर में बैठ गया, शनि के घर में बैठ गया। और शनि कहाँ बैठ गया, 12वें घर में बैठ गया। यहाँ पे शनि का और गुरु का परिवर्तन योग भी है, जो नीच भंग योग को खत्म कर रहा है। क्या हमने ये बातें देखी? अभी मैंने क्या कहा, इसके अंदर लगभग 2.5 लाख से 3 लाख युक्तियां हैं। अगर हम 4 युक्ति पढ़ लें तो हम ये मत सोचे कि वैदिक हमें आ गई। जब तक ये देखिए, परिवर्तन योग दोनों का, गुरु का और शनि का। गुरु और शनि क्या है? गुरु और शनि लग्न के मालिक के, गुरु मित्र है और शनि शत्रु है। लेकिन यहाँ किस 12वें और 10वें का परिवर्तन हो गया, तो कर्म के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में ये बच्चा शनि का जब परिवर्तन हो जाता है शनि के घर, ये बच्चा, ऐसा बच्चा कहीं ना कहीं कानूनी दायरे में रहता है, कानून के अंदर एक्सपर्ट निकलता है, ये बच्चा बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंचता है, ये मैं कहना चाहता हूं। अब सूर्य जब सप्तम भाव में है और नीच का है तो शादी के मामले में थोड़ा सा परेशानी आती है। 2 शादी के योग बनते हैं, लेकिन सूर्य नीचता की शुभता में थोड़ी कमी आ जाती है। हम इन सब तथ्यों को जब देखते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हमने क्या महसूस करा, राहु पंचम स्थान में बैठा है, ऐसा जातक बुद्धि का बहुत ही तेज है, और केतु 11वें स्थान में है,
ऐसा जातक लाभ प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। अब मैं आपको इसके बाद बताना चाहता हूं लोशों में। हमें थोड़ा सा ऊपर निकलना पड़ेगा अगर हमें कुछ सीखना है और आगे बढ़ना है। देखिए देखिए इस जातक के लोशो ग्रीड में मैं क्या देख रहा हूं। चारों केंद्र भरे हुए हैं, सात चार बार एक आ रहा है और नौ डबल नौ फोर थ्री एट नंबर मिस है, सिक्स नंबर मिस है, टू नंबर मिस है। और टू नंबर और सिक्स नंबर मिस होने से हम क्या महसूस कर रहे हैं देखते हैं। इनका शुक्र कहाँ पे है? शुक्र इनका भाग्य स्थान में बैठा है, गुरु के घर में बैठा है, ठीक है। और यहाँ पे शुक्र यहाँ भाग्य स्थान में हो गया, अच्छी स्थिति में हो गया, और यहाँ शुक्र मिस है। हम लोशो ग्रिड वाले क्या कहेंगे? चांदनी क्या कहेंगे लोशो ग्रिड वाले? कि शुक्र खराब है सर। खराब। और जबकि वेदी कुंडली में शुक्र अच्छा है, अब मंग और मेष लगन के अंदर शुक्र अच्छा रहता है, ये भी माना जाता है। और ये कहाँ का मालिक है? सप्तम का मालिक होके और नव भाव में बैठा है, अपने से तीसरे बैठा है। अपने से तीसरे होने का मतलब है पराक्रम स्थान में बैठा है। दो नंबर चंद्रमा, चंद्रमा लगन में बैठा है और यहाँ दो नंबर मिस है। और आठ नंबर शनि बारहवें घर में बैठा है। मैं मान सकता हूँ बारहवें घर का शनि थोड़ा 19 होता है, लेकिन वैराग्य देता है, इतना नुकसान नहीं देता। जो मैं कहना चाह रहा हूं कि लोशो ग्रिड में और वैदिक में कितना डिफरेंस है। हम लोशो ग्रिड के द्वारा कुंडली को सिद्ध नहीं कर सकते। अगर हमें वैदिक का ज्ञान नहीं है तो लोशो ग्रिड से हम कहीं भी मात खा सकते हैं। और मैं बताना चाहता हूं, इसके पास बच्चे के पास जातक के पास सात नंबर है, ऐसा बच्चा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होता है। और सात नंबर ये साबित करता है ये बच्चा रिसर्चिंग नेचर का होता है, और इस बच्चे के पास वार्तालाप करने की निपुण शक्ति होती है। तीन नंबर गुरु का है और तीन और नौ का जो संबंध होता है, तो ऐसा ऐसा बच्चा येन क्रेन प्रकेन अपने कार्य को सिद्ध करने में सक्षम होता है। इसके बाद मैं क्या देखता हूं, इसका ड्राइवर चार और कंडक्टर पांच, 50% इसकी डस्टनी आती है, इसकी 50% डस्टनी आती है, तो ये बच्चा जीवन में बहुत ऊंचाइयों पे जाता है। इसके बाद में इसका क्या देखा मैंने, देखिए शुभ तारीख है 4, 13, 21, 23, मूल्यांक चार राहु, ऐसे बच्चों का तो जन्म होता है, चार नंबर राहु का होता है। शुभ दिन रविवार और शुभ रंग काला भूरा, अशुभ रंग हल्का नीला, मित्र अंक 1, 2, 7 और शुभ अंक 3, 4 और सम अंक 6, 8, 5 और शुभ वर्ष। शुभ वर्ष नहीं पता किसी को भी, मैंने अभी बताया ना बहुत टॉपिक ऐसे हैं, शुभ वर्ष बैठते हैं इनके 2020, 2029, 2038 और 2047 और 2056 और 2065, ये शुभ अंक हैं, शुभ वर्ष हैं। अनुकूल देवता गणेश जी और शुभ रतन गुमेद, हमेशा ऐसे बच्चे को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और उससे वो जीवन में ऊंचाइयों पर आगे पहुंचेगा। ये मैंने ये विश्लेषण करके इसलिए बताया। अब हमने ये क्या देखा कि दो नंबर ऐसा बच्चा जल्दबाजी करता है किसी भी काम में, कोई भी जातक को किसी भी उम्र का हो, क्योंकि चंद्रमा खराब दिखाई दे रहा है। अब हम लोशों से देख रहे हैं, हम लोशों से ये सब बातें सीख सकते हैं बहुत जल्दी से। अगर हम ये बातें सीख लेंगे तो हमें हमें वैदिक कुंडली में जजमेंट हो जाएगी कौन कौन से ग्रह अशुभ हो सकते हैं, ये जानने की प्रक्रिया है। और छह नंबर खराब होने से हम ये मान सकते हैं कि इसके मित्रों की संख्या कम हो सकती है, मित्र धोखेबाज हो सकते हैं, मित्र वक्त पे सहायता नहीं करते। आठ नंबर मिस होने से ये मालूम होता है कि ऐसे जातक का नेचर अहम होगा, ईगो होगा। हम मात्र लोशो ग्रिड से किसी भी व्यक्ति का नेचर जानते हैं, सही प्रोडक्शन सही दिशा पे नहीं पहुंच सकते। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर अगर आप अच्छा समझते हैं तो आप लोगों को लोशो के साथ साथ वैदिक भी जरूर सीखनी चाहिए। अगर आपको किसी को भी अपनी कोई कुंडली दिखवानी है, हम इस तरह से कुंडली को देखने का प्रयास करते हैं। भले ही हम 1100 रुपए लेते हैं, लेकिन काम कितना करके देते हैं ये आपकी कुंडली बता रही है। अगर दो नंबर इनका मिस है साउथ वेस्ट,
इनकी साउथ वेस्ट मिस है, देखिए साउथ वेस्ट चंद्रमा, आकस्मिक दुर्घटना, पति पत्नी दोनों की सेहत में खराबी, बेकार के कार्य में समय की बर्बादी, प्रजनन शक्ति में कमी रहती है, त्वचा रोग। 2 नंबर ये भी संकेत करता है कभी कभी ऐसे जातक के संतान के मामलों में परेशानी आती है। डायबिटीज, पैरों में तकलीफ की संभावना। इसका उपाय क्या है? स्फटिक की माला, घर से हरियाली हटाए, भगवान शिव की पूजा करें, अभिषेक करें, अग्निकोण दक्षिण पूर्व का वास्तु दोष दूर करें, ब्रेसलेट पहने, पृथ्वी तत्व के लिए अर्थ फैक्टर का सपोर्ट लेना, हरे रंग का ब्रेसलेट पहनना, ये इसके उपाय होते हैं। हाँ, नॉर्थ ईस्ट 8 नंबर मिस होने से ज्ञान में कमी, पूजा पाठ में कमी, आत्मविश्वास में कमी, ब्राह्मण एवं बुजुर्गों के सम्मान में कमी, साइनस नजला, डिप्रेशन, लीवर तथा मधुमेह की समस्या की संभावना रहती है। और 8 नंबर के उपाय, शनि का उपाय करें, शनि मंत्रों की माला का जाप करें, मेहनत करें, तभी फल अच्छे मिलेंगे। ईस्ट और नॉर्थ व्यवस्था ठीक रखें, ईशान कोण ठीक रखें, साउथ मेज में येलो कलर के फ्लोवर रखें, गरीब अपाहिज हैंडीकैप लोगों की सहायता करें, उन्हें दान दें, आंखों से पीड़ित हो तो उन्हें दवाई दें, शनि का सबसे बड़ा दान है दवाइयों का दान, नीले रंग का रुमाल रखें, शरीर से पसीना निकालें। जब आपके शरीर से पसीना निकलेगा तो आप मेहनत करेंगे तो ऑटोमेटिक है शनि आपका ठीक होगा। धरती से निकली सब्जी आलू गाय को खिलाएं, अगर आप शुक्र की सेवा करेंगे तब भी शनि खुश हो जाता है। अब नॉर्थ वेस्ट 6 नंबर मिस होने से गुस्सा अधिक आता है, पारिवारिक सुख में कमी रहती है, ईर्ष्यालु स्वभाव रहता है और झूठी शान दिखाने वाले दोस्तों से धोखा मिलता है, पेट में गैस, चर्म रोग, छाती में जलन की संभावना। अंकों के उपाय, एक्शन के लिए नोट्स को मजबूत करें, साउंड एनर्जी वाइंड चाय लगाएं, धातु तत्व का उपाय करें, हमारे शरीर में मेटल एलिमेंट की कमी हो जाती है, 6-7 नंबर में से कोई मिस हो तो यहाँ 6 नंबर मिस है। अगर 6 नंबर किसी का मिस है तो एक तो हम चांदी की चैन में 6 नंबर का लॉकेट डाल सकते हैं, एक हमें गोल्डन कलर की वॉच पहन सकते हैं, अगर हम ब्लैक कलर की या कोई वॉच पहनते हैं तो उस वॉच को हमें अपने पास से हटा देना चाहिए। ठीक है, धातु सब का उपाय करें, गोल्डन कलर की चैन वाली घड़ी, खुशबूदार अगरबत्ती, इत्र सफेद भेंट करें, गोल्डन चार्ज पहने, वेज वॉच पहने। ये मैंने ये कुंडली के बारे में आपको बताया। भावनात्मक होते हैं ऐसे व्यक्ति, दिल के साफ होते हैं, कभी खुशी कभी गम बांट लेंगे हम आधा आधा, हम ऐसा 1 महीने में 15 दिन दुखी रहेंगे, 15 दिन खुश रहेंगे। 3 नंबर गुरु का है, 5 नंबर बुध का है और 7 नंबर केतु का है, इनके संतान भी होगी और संतान पहला बेटा होगा, पहली संतान बेटा होगी और बेटी बेटे का दोनों का योग है, और ये इनका कंफ्यूज नहीं होगा, ये बच्चा बड़ा दिलेर होगा और उसके साथ साथ ये बच्चे में क्या कैपेसिटी होगी, जो ठान लेगा वो करके छोड़ेगा, इस बच्चे का नेचर होगा। ठीक है, तो अब मैंने ये बताया, इसके बाद मैं एक कुंडली और लगाता हूँ आपको। देखिए, अब ये हमने वैदिक कुंडली देखी, ये लोशो ग्रिड देखा, अब चांदनी बताइए इसे आप क्या कहेंगे, जैन साहब आप भी सर, बताइए। देखिए सर 5 टाइम 9 है, इसमें तो बोलेंगे कि मंगल खराब ही है, मांगलिक ही बोलेंगे इसको सर। आप कोई ऐसा है जो ऐसा कह दे कि मंगल खराब है? और तुम तो विद्वान हो, विद्वान से मतलब जानती हो। अब ये मैंने कुंडली बनाई है इनकी, अब मंगल कहाँ बैठा है, तो यहाँ मंगल खराब लग रहा है आपको? नहीं सर, इसमें तो ये मांगलिक नहीं है। तो फिर यही मैं बताना चाह रहा हूं, 1% और वाला मंगल। ये बताना चाह रहा हूं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जब हमें आइडिया नहीं होता तो हम उत्तर क्या दें किसी को। अब लोग 5 का 2 का कितना बुरा विश्लेषण कर रखा है कि 5 नंबर अच्छा है, जब आपको दिखाई दिया, जब मैंने बताया कि 5 नंबर अच्छा नहीं होता 2 नंबर के साथ, तब लोगों ने बहुतों ने बदला अपने आप। तो अब मैं ये भी कुंडली और लगा के दिखा देता हूं, जिससे सबको सीखने का मौका मिल रहा है। रानी जी, आपको भी अच्छा लगा है? हाँ सर। हाँ, देखिए ये बच्चा धनु लगन का है,
धनु लगन से मतलब क्या होता है कि ये बच्चा हर काम को टारगेट लेके करने में विश्वास करता है। गुरु सूर्य इसके केंद्र में बैठे हैं। ऐसे जातक का घर हवादार खुला होगा, शनि इस बच्चे का नीच का हो जाता है। अगर शनि नीच का हो जाता है तो ये संकेत करता है कि ऐसे बच्चा पढ़ाई में तो निपुण होगा पर कहीं ना कहीं उसे थोड़ा बहुत ब्रेक करना पड़ सकता है। लेकिन शुक्र इसका छठे स्थान में बैठ गया, राहु अष्टम में, और कहां बैठा, इसकी राशि कौन सी बनती है, मकर। इस पे सारसती चल रही है, 5 साल बीत गए, 2.5 साल अभी और हैं, और राहु अष्टम में है। अष्टम का राहु ये साबित करता है कि ऐसा जातक के कहीं ना कहीं ऑपरेशन जरूर होता है, कहीं ना कहीं ऑपरेशन पाया जाएगा ऐसा जातक के अंदर। आप समझे मेरी बात को? तो राहु जब जब बैठता है रिसर्चिंग नेचर तो देता है लेकिन पेट का कहीं ना कहीं ऑपरेशन भी करवाता है। अब हमने ये सारी बातें नोट करी, यहां से गुरु अपने घर में बैठा है। अब आपको एक नई बात और बताऊं, जब दो केंद्र का मालिक, कोई ग्रह दो केंद्र का मालिक होकर पुनः केंद्र में बैठ जाता है तो वो ग्रह खराब हो जाता है, पापी हो जाता है। 9वां घर और 12वां घर दोनों गुरु के हैं और ये दोनों केंद्र में बैठे हैं, और जब दोनों दो केंद्र का मालिक होकर पुनः केंद्र में बैठ जाता है तो पापी हो जाता है। और अस्त भी है, बापू जी ने जो बात बताई, बापू जी काफी दिन से क्लास में पढ़ रहे हैं तो ये सब बातें जानने के लिए हमें थोड़ा सा वो करना पड़ता है। अच्छा एक मिनट देखिए, अब यहां क्या देखता हूं, 3 नंबर मिस है बच्चे का, 8 नंबर मिस है, वहां गुरु खराब हो गया, यहाँ शनि खराब हो गया, आप देख रहे हैं। तो यहाँ उधर वहां शुक्र खराब हो गया, छठे में बैठा है तो 6 नंबर मिस है। तो अब आप देखिए उधर चंद्रमा शनि के घर में बैठा है, विषयोग बन रहा है तो चंद्रमा भी खराब हो गया। इस बच्चे के अंदर अगर टैलेंट है, एक ही टैलेंट है, इच्छा शक्ति मजबूत। ये बच्चा आलसी होगा, किसी भी काम को एंड टाइम पे करेगा क्योंकि हम इसके पास 2, 7, 6 नहीं है, एक्शन प्लान डेड होने के कारण इसको परेशानी महसूस होगी। अब इसका हमने जो भी तारीख निकाली, डेट ऑफ बर्थ निकालती है तो 9/18/27 इस कुंडली में क्या होता है, देख रहे हो 9 तारीख शुभ है, 9/18/27 शुभ दिन मंगलवार रविवार, शुभ रंग लाल गुलाबी भूरा, अशुभ रंग काला हरा, मित अंक 5 और 3, सम अंक 4 और 6, और शुभ वर्ष 2016, 2025, 2034, 2043, 2052 और 2061, शुभ देवता हनुमान और शुभ रतन मूंगा। अब मैं बताना चाह रहा हूं इस बच्चे के अंदर एक खूबी और है, अगर आप नोट करते हैं तो, इस बच्चे के पास जो हमने देखा मकर लगन है, चंद्रमा केतु गुरु सूर्य शनि शुक्र राहु, जब हमने इस बच्चे को नोट करा, इसका चंद्र लगन में मंगल 10वें स्थान में आ गया और मंगल 10वें बैठा हुआ कहीं ना कहीं कमांडर बनाता है, मतलब कहीं ना कहीं डॉक्टर और डाकू में मैंने आपको फर्क बता रखा है, एक वीडियो डाल रखी है डॉक्टर और डाकू, क्या आपने वो वीडियो देख रखी है? अगर मंगल अच्छा अपूज का है, अच्छे कार्य करेगा तो डॉक्टर, और नीच का है तो बन जाएगा डाकू। तो ये मैंने इसलिए बताने का कोशिश करा कि जब मंगल इनका केंद्र में बैठा है और कर्म स्थान में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति उच्च कोटि का विद्वान या कोई ना कोई सरकारी अधिकारी बनने की संभावना रहेगी। 60% सेल्फ डेस्टिनी है, बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंचेगा, उसकी ऊंचाइयों में कोई कमी नहीं रहेगी कहीं से कहीं। तो मैं यही कहना चाहता हूं, आप लोगों को बताना चाहता हूं